इसके अंदर कुंडली पार्ट 177 में आपका स्वागत है। अंगारक दोष, अंगारक दोष के बारे में बात करूं, बहुत तेज वाणी देता है, बहुत मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं, लड़ने झगड़ने क्राइम करने के लिए भी तैयार होते हैं। अच्छा योग नहीं माना जाता है, योग नहीं एक दोष है। इसमें मंगलवार को व्रत, राहु के बीज मंत्रों का जाप और भगवान की आराधना करने से, आवारा कुत्तों को रोटी देने से थोड़ा सा योग कम असर करता है। अगर इस दोष की बात करूँ तो राहु और मंगल दोनों इसमें मारक होने चाहिए, प्लस अगर डिग्री वाइज कम है तो असर कम हो जाएगा। अगर डिग्री वाइज मारक हो के ज़्यादा है तो अच्छा फल नहीं देंगे। इस लग्न की बात करूँ तो इस लग्न में अगर देखा जाए तो राहु मित्रों के साथ अच्छा फल देते हैं और शत्रुओं के साथ किसी भी लग्न में वो बुरा ही फल देते हैं। राहु के जो मित्र हैं वो हैं शुक्र, शनि और बुध। तो इस लग्न में चलते हैं, कैसा फल देगा क्या देगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए इस लग्न में देखें तो पहले घर में, इस लग्न में मंगल कारक होते हैं। मंगल के कारक होने से यहाँ पर मंगल पहले घर में अच्छा फल देंगे, लेकिन राहु देव यहाँ पर अच्छा फल नहीं देंगे। राहु क्योंकि राहु अपने शत्रु के घर में आ रहे हैं। अगर हम दूसरे घर की बात करें, यहाँ राहु उच्च के हो जाते हैं, मंगल इसमें कारक है, दोनों बुरा फल नहीं देंगे। किसी की शांति नहीं कराना, पहले घर में राहु ही कराना है। तीसरे घर की बात करूँ तो तीसरे घर में आपको राहु की शांति नहीं कराना, मंगल की शांति नहीं कराना। राहु यहाँ पर उच्च के होते हैं, राहु वृषभ में उच्च के, वृश्चिक में नीच के, मिथुन में उच्च के, धनु में नीच के माने जाते हैं। चौथे घर में मंगल नीच के हो जाते हैं, यहाँ पर आपको राहु और मंगल दोनों की शांति करानी है क्योंकि राहु अपने शत्रु चंद्र की राशि में आ रहे हैं। अगर मैं पांचवें घर की बात करूं तो यहाँ पर राहु सिंह राशि यानी सूर्य की राशि में आ रहे हैं, लेकिन मंगल की शांति नहीं कराएंगे क्योंकि मंगल कारक है, राहु की शांति कराना है। छठा, आठवां और बारहवां यहाँ पर विपरीत राजयोग नहीं बनेगा। छः, आठ, बारह में आपको मंगल और राहु तीनों दोनों की शांति कराना जरूरी है। सातवें घर की बात करूँ तो सातवें घर में मंगल कारक है और राहु भी अपने मित्र के घर में आ रहे हैं, तो यहाँ पर शांति नहीं कराना है। नवे घर की बात करें तो राहु यहाँ पर नीच के हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपको राहु की शांति कराना है, मंगल की शांति नहीं कराना है क्योंकि मंगल कारक है। यहाँ पर मंगल उच्च के बढ़िया फल देंगे, लेकिन राहु की शांति आपको दसवें घर में भी करानी पड़ेगी। बारहवें घर में ना राहु की शांति कराना ना मंगल की शांति कराना, क्योंकि राहु अपने मित्र के घर में आ रहे हैं और मंगल वैसी कारक है। तो ये इस लग्न में बात करूँ तो इस लग्न में आपको इस तरह से फल देगा। पहला घर रूप रंग, इसके अलावा दूसरा घर बाड़ी कुटुंब, तीसरा घर जो होता है वो आपका पराक्रम का घर छोटे भाई बहन, चौथा माता सुख गाड़ी सुख, पांचवा पहली संतान लॉटरी सट्टा, छठा रोग ऋण, बारहवा घर व्यय, ग्यारहवा घर आय, दसवा घर बिजनेस प्रोफेशन, और नवे घर की बात करें तो धर्म और पिता, सातवा घर, आठवा घर मृत्यु तुल कष्ट, सातवा घर बिजनेस पार्टनर लाइफ पार्टनर, चौथा घर माता सुख गाड़ी सुख। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।